नमस्कार, तो मैं आशीष शराब देख रहा हूँ ब्लॉग्स के। आज के ब्लॉग में मैं आशीष शर्मा आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। टोटल ब्लॉग है एपिसोड नंबर 2 आशीष टॉक। तो भाई लोग, सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पर। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी तक जितना भी ठीक हुआ हूँ, ये जो लेवल मेरा पहुँचा है ना, अभी यहाँ पहुँचना है, लेकिन यहाँ तक जितना मैं पहुँचा हूँ, ये सिर्फ यही सुबह के घूमने की वजह से पहुँचा हूँ। माना कि मैं थोड़ा जल्दी नहीं जाग पाता हूँ, लेकिन 6 बजे 7 बजे तक मैं वॉक पर निकल जाता हूँ, और 1-2 घंटे जब तक मेरा मन करता है मैं वॉक करता हूँ, घूमता हूँ, बैठ जाता हूँ, चलता फिरता रहता हूँ। तो कहीं जब मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाता था, जब बिल्कुल लाठी पे मैं टंग के चलता था, उस टाइम की बात है, मन में था कि हाँ हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक सी चीज़ है, मतलब स्टार्टिंग में जब आप खड़े नहीं हो रहे हो, दौड़ने की और भागने की बात तो आप कर ही नहीं सकते, या फिर प्रॉपर बिना लाठी के चलने की तो बात आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो जब मैं बिल्कुल भी मतलब चल नहीं पाता था उस टाइम पे, आप किसी भी काम को अगर करने जा रहे हो, अगर आप उसमें बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो, बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ नहीं जानते हो, तो बेसिक सी चीज़ है कि उसका एक बेसिक कुछ पकड़ लो, सीख लो, थोड़ा सा समझ लो और उसी पे चलते रहो, और थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सुधार करते जाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैं ठीक हो गया हूँ काफ़ी हद तक, अभी मैं और ऊपर जाने वाला हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार रहा तो YouTube पे भी आगे जाएंगे। हेल्थ के मामले में भी मैं ठीक होने वाला हूँ बहुत जल्दी, आप देख सकते हो। आप चाहे गांव से बिलोंग करते हो, चाहे शहर से, अगर आप सुबह सुबह जागते हो, ताज़ा हवा लेते हो, घूमते फिरते हो, वॉक करते हो, तो आधी बीमारी आधी समस्या आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी तो आपको होनी नहीं है। बार बार सर में दर्द होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये छोटी मोटी दिक्कतें होती नहीं हैं, और डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि सुबह की हवा जो होती है ना, ऑक्सीजन अपने अंदर जाती है, तो पूरे बॉडी में अच्छा संचार होता है ऑक्सीजन का, तो उससे बहुत सारी फ़ायदा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है अपन को, है ना। स्मोकिंग मत करो, 2-4 चीज़ें ये सब चीज़ें मत करो, और सुबह सुबह बढ़िया सी हवा लो, तो उससे काफ़ी अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा आपकी लाइफ में। जो लोग गांव के हैं वो जानते होंगे, और जो लोग शहर के हैं वो सुनते होंगे, ऐसा सुना होगा उन लोगों ने कि गांव के लोगों की उम्र जो है वो 80+ 70+ से ऊपर ही होती है, मतलब 80-90 ऐसी होती है ना। तो क्या रीज़न है इस चीज़ का? इस चीज़ का यही रीज़न है कि सभी लोग सुबह जाग जाते हैं बेसिक 8 बजे 7 बजे 6 बजे तक, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो 5 बजे 4 बजे ही जाग जाते हैं, तो सुबह सुबह बढ़िया वॉक करते हैं, घूमते हैं, है ना, और अपना खेत पे जाते हैं तो वही वॉक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं गांव में, ये सब दिनचर्या रहती है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत हाइजीनिक रहते हैं ये सब, लेकिन ये है कि यहाँ की मिट्टी धूल ये सब चीज़ें जो हाइजीनिक आप लोगों को नहीं लगती होंगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर ये सब चीज़ें ही हम लोगों के लिए एंटीबायोटिक का काम करती हैं सारी। मैं जब ग्वालियर रहता था तो मेरा एक दोस्त था, उसको पानी से एलर्जी थी, मतलब वो पानी नॉर्मल वाला पिया उसने और उसको जुकाम हो गया, तो मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गाइस ये सारी चीज़ें जो है वो खान पान पर डिपेंड करती हैं, आप किस तरीके से रहते हो, ज़्यादा साफ़ सफाई में रहोगे ना तो भी बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। तो बेसिक है, मतलब एक ज़रूरी है, हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर रहना ज़रूरी नहीं है, है ना। जिस तरीके से साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, उसी तरह से बच्चों को मिट्टी में खेलना भी ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को, अपनी सारी चीज़ों को दूर रखना चाहते हैं, एक मंजिल, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुबह जागिए, 2-3 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सोचने के लिए, समझने के लिए, और वॉक कीजिए, और कोई भी चीज़ जो आपको लगती है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में एक बेसिक स्टार्ट से, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आपको नहीं पता क्या करना, लेकिन जितना पता है उतने से स्टार्ट कर दीजिए, आगे का आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। एग्जांपल के लिए मेरा, आप पिछले चैनल पर पहला वीडियो देख लो, उसमें क्वालिटी नहीं है, वॉइस क्वालिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना, कैमरा क्वालिटी नहीं है, सारी चीज़ें, मतलब एक भी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने बनाई। और आज की मेरी वीडियो देखोगे आप तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई अंतर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, है ना। तो बहुत टाइम पहले जब मैं बात करता था, मैं बोलता था, तो मुझे लगता था कि यार मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, लेकिन आज की डेट में अगर मैं अपना वीडियो देखूँ तो मुझे लगता है कि आज मैं अच्छा बोलता हूँ। अभी 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने पहले, जब 1 महीने बाद जब मैं अपनी वीडियो देखूँगा, तब मुझे समझ में आएगा कि बीच में जो अभी बोल रहा हूँ ये भी, इसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं। तो जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा आपका
क्वालिटी अच्छा होता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। आज का जो वीडियो है बहुत लंबा हो गया, मैंने बात बहुत ज़्यादा कर ली है, लेकिन गाइज अगर आप इस चीज़ को सोचने वाले हो, इस चीज़ पर थोड़ा सा विचार करने वाले हो, तो यकीन कीजिए आप जो भी हासिल करना चाहते हैं आपको हो जाएगा। क्योंकि मैं पर्सनली हासिल करना चाहता था, मेरा हो गया। मैं चाहता था कि मैं चलने लगूं, मैं ठीक हो जाऊं। अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ हूं, लेकिन 90% ठीक हुआ हूं, जबकि डॉक्टर ने बोला था मेरा ठीक होना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप मेरी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो यहाँ पर चेक करें, और अगर ये वाली वीडियो पसंद नहीं आती है तो ये जगह पे क्लिक करके मेरा चैनल खोलें और सारी वीडियोस को देखें। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।